हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 5, जिसमें हम करेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे दो केसेस हैं न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम। फर्स्ट केस है न्यू जब किसी भी जब रिमेनिंग पार्टनर्स की हमें न्यू रेशो या नया शेयर गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड शेयर में ही कंटिन्यू करेंगे। अब इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जब किसी रिमेनिंग पार्ट टोटल 3 पार्टनर्स थे और उनके हमें रेशियो गिवन है, कोई एक पार्ट रिटायर हुआ और हमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि उनकी कितनी नई रेशियो आई या वो किस रेशियो में कितने शेयर में अपना जो है देखे गया है ओल्ड पार्टनर्स को, तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम ये अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही आगे कंटिन्यू कर रही हैं रेशियो को। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी एंड आर पार्टनर्स एंड हैविंग रेशियो 1:2, रेशियो 1:3, रेशियो 1:6, ये हमें शेयर्स गिवन है। अब इनके एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे, फाइंड आउट न्यू रेशियो निकालनी है हमें इफ़ बी रिटायर। अगर बी रिटायर होता है तो नई रेशियो क्या निकल के आएगी, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रेशियो कितनी है ए बी सी की, तो 1:2, रेशियो 1:3, रेशियो 1:6, इसका एलसीएम आ गया 6, विच इज़ 3:2:1। तो ए बी सी की रेशियो आ गई 3:2:1। अभी हमें सिंपल हमने रेशियो कैलकुलेट की है और हमें इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि जो बी रिटायर हुआ है, जो बी पार्टनर रिटायरमेंट जिसने ली है, वो किस प्रकार ए और सी को अपना शेयर देके गया है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं मीन्स ए और सी, वो अपना ओल्ड रेशियो में ही आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन ने क्या कि बी रिटायर हो गया मीन्स बी रिटायरमेंट हो गई, तो बी का शेयर खत्म, अब वो ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू करेंगे मीन्स जो न्यू रेशियो आएगी, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी वो हो जाएगी हमारी 3:1, क्योंकि जो उनके ओल्ड रेशियो है उसी में वो अपना आगे बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, वही उनकी न्यू रेशियो बन जाएगी। तो जब भी कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो जब बी रिटायर हो रहा है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उनको उसको हटा के जो रेशो बच गई ओल्ड पार्टनर्स की, उसी रेशो में वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, वही उनकी न्यू रेशो बन जाएगी। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस है कि कई बार क्या होता है, पहले वाले केस में हमें कुछ भी गिवन नहीं था, और सेकंड केस में क्या है कि जब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बच जाते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर परचेस कर लेते हैं, कुछ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में वो अपन उनका शेयर परचेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 3 पार्टनर्स थे और उन्होंने अपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर परचेस कर लिया, किसी भी रेशो में किया, इक्वली किया, कैसे भी किया, बट उसने शेयर परचेस कर लिया उस रिटायरिंग पार्टनर का। तो उस केस में क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन मीन्स जो भी शेयर होगा जो उन्होंने परचेस किया है वो उनके ओल्ड शेयर में हम ऐड कर देंगे, जिससे उनकी नई रेशियो कैलकुलेट होगी। सिंपल सी बात है, जितना शेयर वो गेन करेंगे, जितना शेयर वो परचेस कर रहे हैं, वो शेयर हम उनके ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर उनके पास पहले शेयर 3:12 था और उन्होंने 2:12 शेयर को परचेस कर लिया, तो उनका न्यू शेयर क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 5:12 इज़ द न्यू शेयर हो जाएगा उनका। तो हम एग्जांपल करते हैं ताकि और क्लियर हो हमें वो चीज़। फॉर एग्जांपल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म और उनकी रेशियो है 5:4:3। तो ए बी सी पार्टनर्स है और जिसमें बी है वो रिटायर हो रहा है मीन्स बी की रिटायरमेंट हो गई, और जो उसका शेयर है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ तक इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी और हम यहाँ से कैलकुलेट करते थे कि बी रिटायर हो गया तो ए और सी की आ गई 5:3, बट हमें आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है हिज शेयर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। अब बी के रिटायरमेंट के बाद जो उसका शेयर है, शेयर कितना है उसका 5:4:3 मीन्स 4:12, तो बी का शेयर है 4:12। तो जो बी का शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए एंड सी में, मीन्स 4:12 का हाफ तो लेगा ए एंड 4:12 का हाफ लेगा सी। तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, सिंपल सी क्वेश्चन क्लियर हो गया। बी का शेयर है 4:12, तो हमें चेक करना है कि ए ने कितना गेन किया, ए गेनिंग शेयर कितना हो गया। देखो, बी का शेयर था 4:12, उसका हाफ
इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो हाफ मीन्स 1/2, किसने लिया, ए ने, तो ए का हो गया हमारा 2/12, ए ने गेन किया है, तो ए ने गेन किया 2/12, तो वैसे ही ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ए का न्यू शेयर आएगा ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर है 5/12 एंड गेनिंग शेयर इज 2/12, तो ये हमारा हो गया 7/12, ए का न्यू शेयर हो गया। सेम हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे बी का, तो बी ने कितना गेन किया है, बी के शेयर का, सॉरी सी का, सी ने कितना गेन किया है, बी के शेयर का हाफ, बी का शेयर था 4/12, 4/12 बी का शेयर था, उसका हाफ मीन्स 1/2 इक्वल 1:1 हो गई, तो 1/2 लिया ए ने एंड अब 1/2 लिया सी ने, इक्वल रेशो थी इनकी 1:1, तो 1/2 लिया ए ने एंड 1/2 लिया सी ने, तो कितना आ गया, ये वही कट के आ गया हमारा 2/12। तो अब हम निकालेंगे सी का शेयर, तो सी का शेयर निकल के आ जाएगा सी न्यू शेयर, सी का ओल्ड शेयर है 3/12 एंड गेनिंग शेयर है 2/12, तो हम ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा न्यू शेयर, तो ये आ गया 5/12। तो देखो इनकी रेशियो आ गई 7/12 रेशियो 5/12, तो न्यू रेशियो क्या होगी, 7:5 इज़ द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जितना उसका शेयर है और वो किस रेशियो में और किस कैसे वो अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर कैसे वो परचेज कर रहे हैं, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली मीन्स 1:1 में, तो 1/2 इसका हो गया ए को दिया एंड 1/2 सी को दिया, उसी के शेयर का, बी के शेयर का 1/2 एंड 1/2, तो जितना भी शेयर उसका आता है गेनिंग शेयर वो हम उसके ओल्ड शेयर में ऐड कर देंगे, तो जो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए उनका न्यू शेयर आ जाएगा, और न्यू शेयर से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल हम और करते हैं ताकि और क्लियर हो हमें। सेकंड एग्जांपल है कि ए बी सी पार्टनर्स एक फर्म में और उनके रेशियो है 5:4:3। इस एग्जांपल में सी रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है, सी का शेयर वास टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। लास्ट एग्जांपल में हमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पर इस एग्जांपल में उन्होंने 3:2 में वो शेयर है लिया है। फाइंड आउट न्यू रेशियो, तो हम वही करेंगे, पहले देखते हैं कि सी का शेयर कितना है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर है हमारा 5:4:3 मीन्स 3/12 है सी का शेयर, और उसको ले रहे हैं ए एंड बी, तो ए का गेनिंग शेयर कितना निकल के आएगा, ए लेगा सी के शेयर का, किस रेशो में लेगा वो, 3:2 में, मीन्स जब इक्वली था तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, और उनका अब 3:2 है, तो मीन्स ए लेगा 3/5, तो ये हो गया 9/60। तो ए का न्यू शेयर क्या निकल के आया, ए न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 5/12 और गेनिंग शेयर है 9/60। जैसा लास्ट क्वेश्चन में था बिल्कुल सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे उसे लास्ट क्वेश्चन में हमें इक्वली गिवन था और यहाँ पे रेशो गिवन है, तो इक्वली गिवन होगा तो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशो में गिवन होगा तो हम उस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी उसका शेयर निकल के आएगा। तो ये हमारा आ गया 60/5 + 9 = 34/60। ऐसे ही हम निकालते हैं बी का, तो बी का गेनिंग शेयर आ जाएगा सी के शेयर का 3/12 का रेशो, 3:2 थी तो 3/5 ए ने लिया था, 2/5 बी लेगा, तो हमारा आ गया 6/60 सिंपली। अब हम इसको निकालते हैं बी का न्यू शेयर, तो बी न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, बी का ओल्ड शेयर है 4/12 एंड गेनिंग शेयर है 6/60, 60, 5, 4, 20 एंड 6 ही आ गया 26/60। हमें निकालनी थी ए और बी की न्यू रेशियो, तो ए और बी की न्यू रेशियो आ गई 34/60 एंड 26/60 मीन्स आ गई 34:26। अब भी इसको 2 से हम कट कर सकते हैं, तो ये आ गया 17:13, तो 17:13 इज़ द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी।
तो सिंपल सा पॉइंट है, जो भी आपको रेशियो गिवन हो तो आप रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की, और इक्वली गिवन है तो इक्वली मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सा हमारा जो केस था वो ये था कि जब रिमेनिंग पार्टनर्स परचेस कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर से, तो हम उसके जो नया शेयर निकल के आएगा उसमें हम ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर रखेंगे। सिंपल पॉइंट ये था, हमारा केस ये था। दो एग्जांपल डिस्कस हो गए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीट पॉइंट न्यू रेशियो वाला। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई क्वारी हो तो हमने मेल आईडी भी दे रखी है, ईमेल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, और आप कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है। योर मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो आप कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।